हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे को गमले में हम कैसे रिपोर्ट करें, इसकी मिट्टी को हम कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले तो हम इसकी मिट्टी को तैयार करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 से 12 इंच के गमले लेंगे। इतना साइज का गमला जो है वो तुलसी पौधे के लिए सफिशेंट है, बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत अच्छे से तुलसी का जो पौधा है वो ग्रो हो जाएगा। तो इसके लिए हम मिट्टी तैयार करेंगे। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक भाग गार्डन सॉइल लेंगे, एक भाग सैंड लेंगे, और दो मुट्ठी के हम तकरीबन नीम खली लेंगे, और एक मुट्ठी हम सीवर लेंगे। इन चारों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम गमले में अच्छे से भर देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास मेरे गार्डन में ही छोटे छोटे तुलसी के पौधे बहुत सारे निकले हुए हैं, तो इन्हीं को हम निकाल करके और अपने हम गमले में रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए, इसे हम निकाल लेते हैं बहुत ही सावधानी से, ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो टूटे नहीं। और बस ऐसे ही मिट्टी के साथ इसे हम गमले में सावधानी पूर्वक डाल देंगे, ताकि इसके रूट्स ख़राब ना हों। अब इसे हम हल्का हल्का पानी दे देंगे, क्योंकि हमारा बारिश के चलते मिट्टी अभी पूरा नमी है, इसलिए हम ज़्यादा पानी अभी से नहीं देंगे। और इसे हम अब किसी शेड में रख देंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। 3 से 4 दिन तक इसे हम शेड में ही रहने देंगे, उसके बाद इसे हम सनलाइट में रखेंगे। तो इस तरह से हमारे ये जो ये पौधा है वो रिपोर्ट हो गया है। तो अगर आप भी अपने पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं गमले में, तो इस तरह से करें। इस तरह मिट्टी ऐसी मिट्टी तैयार करने से हमारा जो ये पौधा है वो जल्दी ग्रोथ करेगा और जल्दी बढ़ेगा। नीम खली से क्या होगा कि जो हमारा जो तुलसी का जो पौधा है वो जड़ों उसके जड़ों को सड़ने नहीं देगा, और सीवीड जो है वो हमारे पौधे का ग्रोथ को जल्दी ही बढ़ाएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छा से ग्रोथ करेगा हमारा यह पौधा। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम नहीं डालने सके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। फिर तब तक बाय।